नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। आज 9 जनवरी है। साल के पहले महीने का ये नवा दिन इतिहास में अपनी एक खास जगह रखता है। आज के दिन देश दुनिया में ऐसी कई घटनाएं हुई थी जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, तो आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। माइकल जैक्सन को 9 जनवरी 2002 में अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड से आर्टिस्ट ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड दिया गया था। माइकल जोसेफ जैक्सन लोकप्रिय अमेरिकी पॉप गायक थे जिन्हें किंग ऑफ पॉप भी कहा जाता था। माइकल जैक्सन का 25 जून 2009 को हार्ट अटैक से निधन हुआ था। भारत के स्वाधीनता सेनानी और राजनेता चौधरी छोटू राम का निधन आज के दिन 9 जनवरी 1945 में हुआ था। सर छोटू राम ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के एक प्रमुख राजनेता एवं विचारक थे। उनका असली नाम रिचपाल था। चौधरी छोटू राम का जन्म 24 नवंबर 1881 में हुआ था। दुनिया के पहले गर्म हवा के गुब्बारे ने 9 जनवरी 1793 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया में उड़ान भरी थी। गुब्बारे को वॉलनट स्ट्रीट जेल से फ्रांसीसी एरोनॉट जीन पियरे ब्लैंचर्ड द्वारा लॉन्च किया गया था। जीन पियरे ब्लैंचर्ड ने ही सबसे पहले बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड और पोलैंड में गुब्बारे में बैठकर आकाश में उड़ने में सफलता प्राप्त की थी। हिंदी सिनेमा के मशहूर एक्टर फरहान अख्तर का जन्म 9 जनवरी 1974 में हुआ था। फरहान अख्तर एक्टर होने के साथ साथ एक कमाल के लेखक, निर्देशक और गायक हैं। फरहान अख्तर आज युवाओं के लिए एक रोल मॉडल हैं। एक आदर्श युवा की तरह वो किसी एक खास क्षेत्र में बंद कर नहीं रहे, बल्कि अपने आप को हर क्षेत्र में कामयाब करने के लिए कड़ी मेहनत की। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।